जनपद बलिया में बिजली विभाग की लापरवाही से एक व्यक्ति व दो पशुओं की दर्दनाक मौत का मामला प्रकाश में आया है। बांसडी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरपाती गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही से काल के गाल में समा गए कुछ लोग। बीते सोमवार के दिन पशु की विद्युत तार की जद में आकर मौत हो गई। इस संबंध में ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त विद्युत तार को बार बार ठीक कराने और ऊंचा करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों तक गुहार लगाई गई, किंतु विद्युत विभाग तार नहीं हटाया गया, यानी कि विद्युत विभाग द्वारा तार को हटाया नहीं गया और न ही कोई इस विषय पर कोई भी ठोस कार्रवाई की गई, जिसके चलते सुशील भारती पुत्र मुन्ना राम जो पूजा के लिए दूध लेने जा रहा था, इसी बीच बुद्ध पोल से सुरेंद्र चौबे के घर की ओर खींचे गए तार जो जगह जगह कटकर रास्ते में गिरा हुआ था, इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरे दिन उसी तार की चपेट में आकर दो पशुओं की भी जान चली गई। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब उक्त शिकायत को लेकर थाने पे गए तो थाना अध्यक्ष ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, जिससे दुखी होकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंप कर उक्त तार को बदलते हुए ऊंचा कराने के साथ मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई किए जाने की जिला प्रशासन ने से ग्रामीणों ने मांग की है। यानी कि जिला प्रशासन ने ग्रामीणों ने मांग भी रखी कि जो पीड़ित है उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए और विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाए। कहाँ करने वाले हैं? पिपाती का, सुरनपुर पिपाती का। क्या मामला अभी थाने में है? साहब वो हमारा लड़का दूध भी जा रहा था लेने के लिए, वहीं पर सुरेंद्र चौधरी ने तार खींचे है, केबल का टूट गया था, तीन चार लीटर पानी लगा था, वहीं पर गया, वहीं पर दम छूट गया। ये कब की घटना है? कल का, कल छः बजे करीब, छः बजे। और आज किस तरह घटना हुई? नील गाय सुबह में नील गाय मर गई है। मर गई है? क्या आप लोग बिजली विभाग को सूचना दिए थे? हाँ, गांव के लोग, गांव के लोग दिए थे, गांव के लोग दिए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर जी? तो आपके आपके जो देहांत हुआ कौन है, आप क्या लगेंगे? आपके हमारा बेटा लगेंगे जी। क्या नाम पड़ेगा? हूँ सुशील भारती। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं न्याय मिले। वही कमाने वाला था? वही कमाने वाला था, हमारा चाचा भड़किया है, हमारा कोई सहयोग नहीं है। लड़का, बड़ा लड़का वही था सर। तो वे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुरेमनपुर पिपरपाती का रहने वाला हूँ। क्या है मामला? भी माँ जी, वही हमारे गांव का नौजवान युवक जो दूध लेने जा रहा था डेयरी फार्म पे, वहाँ पे उसको करंट मार दिया, जिन्होंने किसी ने व्यक्तिगत लाइट खींचा है कि लाइट की लापरवाही है, किसकी लापरवाही है, उसकी जान चली गई और उसी की जान नहीं गई, दो नील गाय और मर गए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर विशेष जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उस पर सजा हो उसका। क्या बिजली विभाग इस पर क्या कार्रवाई की है? अभी तक बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई नहीं लापरवाही हुई है कि जिससे नौजवान के मरने के बाद अगले दिन दो नील गाय भी मर गई हैं, इसको हम कार्रवाई नहीं मानेंगे, हम इसको लापरवाही मानेंगे। क्यों बिजली विभाग इतने दिन से सही रही है? कितने दिन से तार टूटा हुआ है? तार लगभग एक हफ्ते से टूटा हुआ है। एक हफ्ते जी, लेकिन अभी तक कोई 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 कार्रवाई नहीं है। किसी तरह बिजली विभाग को दिए थे? बिजली विभाग के गाँव के कुछ लोगों ने दे रखा था, लेकिन कोई इस पर वो कार्रवाई नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि किसी व्यक्तिगत में किसी ने लाइट खींचा है तो उनका मामला है, तो इसे दोनों जन कट रहे हैं ना, वो सही करा रहे हैं जिन्होंने लाइन खींचा है वहाँ पे, ना बिजली विभाग सही कर रहा है। बिजली विभाग के खिलाफ आप लोग तहरीर दिए हैं? बिजली विभाग के खिलाफ नाम दिए हैं, लेकिन साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि बिजली के खिलाफ तहरीर नहीं बन रहा है, जो व्यक्तिगत लाइन खींचा है उसके खिलाफ तहरीर बन रहा है। क्या मानते हैं इसमें किसके लिए पढ़ाई होगी? इस पर अब जो भी है, अब ये तो हम लोग तहरीर दिए हैं, अब जांच का विषय है, ये जांच करें साहब और जो भी इसमें, हाँ मृतक जो है उसको न्याय मिले। मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जी। गिरफ्तारी भी किसी की नहीं है? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं है।